बाद बंधन का दिन आता था तो लोग अपने लोग हमेशा अपने बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती थी और अच्छा प्रदर्शन देता था भाई। और आई आज तक मेरी कलाई सुनी नहीं, आज के बाद पीढ़ी मेरी भी कलाई सुनी होगी। बेटा का रिश्ता हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल के साथ तय किया रिश्ता। हाँ बोलो बेटे, ये रिश्ता जो मैं मंजूर है रिश्ता रिश्ता या शादी रचानी चाहते हैं। हाँ रिश्ता तय किया है लेकिन शादी नहीं किया अभी तक, ठीक है। ऐसा परिवार हमें मिलेगा कहाँ, हमें अत्यंत खुशी है कि इस घर की बहू बने तो मेरी बहन बने। हाँ बेटे खुश होना चाहिए और बेटे विमल हमारे पास हो। बेटा गाली से तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। अब ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल करके बेटा हमारे साथ आराम से हवेली पर रहो। मेरे गिरोह के अंदर 200 सदस्य, सबसे पहले मैं खाकी पर जाऊंगा, अपने साथियों को विदाई दूंगा, फिर अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, उसके बाद निदान होकर मैं अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा। बाबा आज तुम्हारा पिछड़ा परिवार तो मिल गया लेकिन हमारे नालायक बेटे ने हमारी मासूम बेटियों को रंगियों के कोठे पे पहुंचा करके एक ऐसा दाग लगा दिया है कहा बोला है कि दाग कभी छूटने वाला नहीं है। नहीं बाबा नहीं, आपकी बेटी चंदा भी तय कर दी है जिस तरह चंदा अभी तरह उसी तरह क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। कोठे पर आपकी बेटी जब पहुंची उसी वक्त ईश्वर ने हमें वहां पहुंचा दिया और आपकी बेटी को उस रंडी के पंजे से छुड़ा लिया। और बाबा आपको इजाजत चाहिए क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि गिरोह के अंदर एक मेरा साथी पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया, हमारा जाना बहुत जरूरी है। चलो जो यहाँ से गए हैं वो देखो पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए, आओ देखो।